बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर। इस बार आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने से सियासी रण काफी रोचक हो चुका है। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने इस इलाके में जाकर लोगों का मूड समझने की कोशिश की है। आप भी देखिए, इस बार नगीना में बीएसपी दोबारा से जीत दर्ज कर पाएगी या कमल खिलेगा या फिर चंद्रशेखर आजाद बाजी मार ले जाएंगे। वोट उनके पास कभी था नहीं, वो तो धार्मिक आधार पर बंटवारा करके वोट देते। अब लोग समझदार हो गए, उनको 10 साल मौका दे दिया। नगीना उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से बेहद चर्चित सीट, क्योंकि नगीना वही सीट है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए हमेशा से नाक का सवाल रही। कभी ये सीट बिजनौर का हिस्सा थी जहां से मायावती ने अपना पहला चुनाव जीता था, लेकिन इस बार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम के युवा अध्यक्ष चंद्रशेखर की एंट्री से नगीना का रण काफी रोचक हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज के चुनाव में सबसे अहम अगर कोई सीट है तो वो नगीना की सीट मानी जा रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से। स्वागत है चंद्रशेखर जी। धन्यवाद। मैं देख रहा था आपकी मीटिंग में, आप छोटी छोटी मीटिंग्स, जातियों की मीटिंग्स, बिरादरियों की मीटिंग ऐसे कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। नगीना की सीट कितनी इम्पोर्टेंट है और आपकी इस मीटिंग से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, चुनाव में तो एक आदमी भी जरूरी होता है और जिस आदमी को फ्री में कुछ मिल जाए वो व्यक्ति कदर ही नहीं जानता। यहाँ तो हमारे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हुआ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और माँ मेरी हाउसवाइफ थी। हमारे यहाँ कोई बड़ा चुनाव किसी परिवार के व्यक्ति लड़ा, मैं पहला आदमी हूँ जो राजनीति में हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ होती है वही ताकतवर होता है, वही आगे बढ़ता है। तो जब उनका समर्थन और आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर कोई आगे बढ़ने रोक नहीं सकता। तो आज स्थिति ऐसी है कि 70% में हम है और 30% में सब है, और आप देखना आगे आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नगीना सीट परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई थी। नगीना लोकसभा सीट में करीब 21% दलित वोटर है। अगर नगीना सीट के तहत आने वाली पांचों विधानसभा को जोड़ दें तो यहां करीब 50% मुस्लिम मतदाता है, इसलिए यहां दलित और मुस्लिम वोटर ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीजेपी ने 3 बार के विधायक ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को मौका दिया है, जबकि बीएसपी ने सुरेंद्र मैनवाल को प्रत्याशी घोषित किया है और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर यहां से पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीएसपी के गिरीश चंद्रा ने जीत दर्ज की थी। उधर मायावती ने अपने भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को चुनाव प्रचार में लॉन्च करने के लिए नगीना को ही चुना था। नगीना में जब आकाश ने माइक संभाला तो उन्होंने चंद्रशेखर पर बिना नाम लिए निशाना साधा। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है, ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे घूरते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन। लेकिन हैरानी की बात है कि चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव जीतने में उनकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही, तभी उन्होंने कमजोर कैंडिडेट उतारा है। जिस जगह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस जगह से मायावती की भी शुरुआत है। आज बीएसपी अपने जो उत्तराधिकारी हैं उनको, आकाश आनंद को आज यहां से चुनाव मैदान में उतार रही है। आपको लगता है बसपा कोई चैलेंज नहीं है आपके लिए? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, आप इसको नहीं समझ पाओगे। उन्होंने प्रत्याशी कहाँ से बुला के भेजा, उन्होंने यहाँ का प्रत्याशी भी लड़ा है कि जिससे कुछ वोटों का नुकसान चंद्रशेखर आजाद को ना हो। उन्होंने बाहर का प्रत्याशी लड़ा, वो इतना बेचारा फील्ड में जाएगा, इतना तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। और अगर आकाश मेरे छोटे भाई आज आ भी रहे हैं तो आप देखना, वो इसलिए आ रहे हैं कि जब वो चुनाव लड़ा रहे हैं तो उनको आना है, तो लोग ये ना सोचे कि भाई चंद्रशेखर की सीधी मदद कर रहे हैं, तो वो आएंगे और बात करके चले जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ, पूरा संगठन हमें चुनाव लड़ा रहा है
और वो भी जानते हैं कि भाई समाज भी देख रहा है कि पहले हमने एक नेता बना दिया, एक नेता तैयार है तो उसे को बना दो, ये भी अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हमारी बात और मजबूत हो जाएगी। एक से भले दो होते हैं और एक और 11 होते हैं, अभी बहन जी है और दूसरा चंद्रशेखर भी खड़ा होगा भतीजे के रूप में, तो दो हो जाएंगे तो ये हमारी सारी लड़ाई को आसान कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बहन जी आपको परोक्ष तौर से आपको मदद कर रही हैं, आपको उन्होंने खड़ा किया है, आप उनके कैंडिडेट? प्रत्याशी भी इतने दिन बाद उन्होंने घोषित किया जब आधा चुनाव खत्म हो गया था। नगीना में चंद्रशेखर आजाद गांव-गांव जाकर लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। आकाश आनंद की पहली जनसभा थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण के खिलाफ खूब जमकर बोला, हालांकि नाम तो नहीं लिया लेकिन चंद्रशेखर रावण पर उनका सीधा हमला ये दिखाता है कि समाज की बीएसपी के भीतर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को लेकर एक हड़कंप सा जरूर है। उधर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि वो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, यानी कि मायावती के परोक्ष आशीर्वाद से वो चुनाव में उतर रहे हैं। ये चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है। हालांकि यह सच है कि चंद्रशेखर के लिए बीएसपी का कैडर तोड़ना आसान नहीं है। भले ही मायावती अभी चुनावी रैलियां नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद के चुनाव प्रचार में उतरने से बीएसपी समर्थकों का जोश हाई दिख रहा है। इसीलिए सैकड़ों युवा जो अब तक चंद्रशेखर के साथ खड़े थे, उनमें से कई फिर से बीएसपी के साथ जुड़ गए। स्थानीय पत्रकार भी मान रहे हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। कौन मजबूत है यहाँ पे, अगर हम 1-2-3 कहें तो इस वक्त नंबर 1 नंबर 2-3 पर पहुंचा। देखिए प्रचार प्रसार के मामले में चंद्रशेखर रावण जो है वो भी बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि लगातार वो डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है। बीएसपी का वोट बहुत ज्यादा वो काट रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि इस चीज का फायदा जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं ओम कुमार जी वो ले जाएं, क्योंकि बीएसपी का बहुत सारा वोट चंद्रशेखर जी काट रहे हैं और मुस्लिम का वोट भी उन्हें काफी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि चंद्रशेखर वर्तमान में बहुत चर्चाओं में है ना, तो चुनाव भी बहुत शानदार तरीके से लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। उधर चंद्रशेखर के समर्थक कह रहे हैं कि वो पूरे यूपी में बहन जी के साथ हैं, लेकिन बीएसपी को नगीना सीट तो चंद्रशेखर के लिए छोड़नी होगी। पहले आप लोग बसपा को वोट देते रहे, इस बार आप चंद्रशेखर आजाद को देंगे? हमें यूपी की एक सीट हमें चंद्रशेखर भाई के लिए चाहिए, बाकी सारी सीट बहन जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक सीट चाहिए। मतलब बाकी जगह आप बसपा को समर्थन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जगह बसपा को तैयार है और ये सीट हमें भाई जी के लिए चाहिए, अपने चंद्रशेखर के लिए हर हाल में, और हम तैयार है नगीना लोकसभा। क्या कहेंगे आप, चंद्रशेखर के लिए सीट चाहिए? जी बिल्कुल। क्यों? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, एक सीट भाई जी को चाहिए, 79 बहन जी को दे दी, उनसे लड़ो, लेकिन एक चांस जो है चंद्रशेखर भाई को भी दो। लेकिन बीएसपी के गढ़ में कमल खिलाना बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। कुमार अभिषेक, नगीना, आज तक।